सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अ चैनल इन अ न्यू वीडियो ऑफ एमटीवी राइडर अक्षत। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले ब्रेक्स के बारे में, ब्रेक्स के पावर्स को आप कैसे इन्हांस कर सकते हो। अगर आपको ब्रेक के पावर को इन्हांस करना है तो ऑब्वियसली आपको ब्रेक चेंज करना पड़ेगा या तो आपका डिस्क रोटर का साइज चेंज करना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इन्हांस कर सकते हो अपनी ब्रेकिंग पावर को बाय चेंजिंग फ्रॉम 160mm रोटर टू 180mm रोटर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड जो लाइक है मैं वो 400 लाइक्स का है। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे एंड लाइकिंग पूरा करेगा। एंड अगर आपको ऐसी साइक्रेटिक कंटेंट्स और देखने देना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया इस वीडियो में मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे ईजिली बाई कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंस्टॉलेशन ऑफ आर 180mm रोटर। द रोटर विच आई एम यूजिंग इज अ SRAM सेंटरलाइन 180mm रोटर। आप इन दोनों रोटर्स के साइज में डिफरेंस देख पा रहे होंगे। जो SRAM सेंटरलाइन का रोटर है वो अराउंड 3000 रुपीस कॉस्ट करता है। नाउ यू नीड अ 180mm अडाप्टर। द अडाप्टर विच आई एम यूजिंग इज अ CNC बिल्ड एंड इज अ फ्रंट पोस्ट माउंट 180mm अडाप्टर। यू कैन जस्ट फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मार्केट में काफ़ी सारे फेक रोटर्स आते हैं SRAM के, बट द रोटर विच आई हैव इज द ओरिजिनल SRAM एंड हैज़ अ लोगो ऑन इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप एंड आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको इंस्टॉल करना है 180mm रोटर को। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ्रंट व्हील के QR को निकाल लेना है। यहाँ पे मैं बाइक को फ्लिप करना भूल गया था, सो यहाँ पे अपने बाइक को मैं फ्लिप करके ईजिली अपने फ्रंट व्हील को निकाल लेता हूँ। सो नाउ यहाँ पे मैंने अपने फ्रंट व्हील को निकाल लिया है एंड अब आप देख पा रहे होगे जो रोटर में साइज़ डिफरेंस है वो कैसा है। ज़्यादा बड़ा साइज़ डिफरेंस नहीं है बट जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। नाउ अब हमें क्या करना है, जो QR का लीवर है उसे हम लोग को निकालना है एंड उसके बाद अपने रोटर्स को हम निकाल लेंगे। सो अब बारी है हमारे रोटर को चेंज करने की। सो यहाँ पे रोटर को चेंज करने के लिए हमें जो हमारा 4mm का बोल्ट है उसे हम लोग को लूज़ करना है। कभी कभी 4mm की जगह पे वहाँ पे T25 का स्क्रू भी रहता है। T25 जिन्हें नहीं पता है वो स्टार टाइप में होता है एंड फॉर दैट टाइप ऑफ बोल्ट्स एक अलग टाइप का स्टार कीज आता है जिससे वो बोल्ट्स खोलते हैं। सो यहाँ पे मैं क्विकली सारे 4mm के बोल्ट्स को लूज कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम अपने रोटर को डायरेक्ट चेंज कर पाएंगे। सो यहाँ पे मैं अपना लास्ट बोल्ट को भी रिमूव कर लेता हूँ एंड नाउ यू कैन सी मैं अपना डिस्क प्लेट रिमूव करता हूँ एंड उसके बाद हमारे हब पे कितना ज़्यादा गंदगी लगी है। इसे हमें अच्छी तरीके से साफ़ करना है एंड उसके बाद अपने नए रोटर को इंस्टॉल करना है। नाउ देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप भूल ना जाओ। रोटर्स पे आपका एक एरो मार्क दिया रहता है जो कि व्हील के रोटेशन को बताता है। जिस साइड आपका व्हील रोटेट करेगा आपको उसी डायरेक्शन में अपने रोटर को लगाना है एंड उसके बाद सारे बोल्ट्स को वापस से लगा देने। सो यहाँ पे मैं क्विकली सारे बोल्ट्स को वापस पोजीशंस पे लगा देता हूँ एंड इसके बाद टूल का यूज़ करके मैं इसे काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट कर लूँगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप जो कि है हमें अब अपने 180mm के अडाप्टर को इंस्टॉल करना है। सो अडाप्टर को इंस्टॉल करने के सिंपली हमें अपने पुराने कैलिपर्स को खोलना है। सो यहाँ पे मैं 5mm के एलन की को यूज़ करके जो फ्रंट का हमारा कैलिपर है उसे खोल लेता हूँ। सो अब जो है हमारा फ्रंट का कैलिपर निकल चुका है एंड नाउ इट्स टाइम टू इंस्टॉल आर 180mm पोस्ट माउंट अडाप्टर एंड मेक श्योर आप जो दोनों बोल्ट्स हैं उसे अच्छी तरीके से रखो बिकॉज अभी हम लोग को उसका यूज़ है। सो नाउ यू नीड अडाप्टर। जो अडाप्टर है उसके साथ ये छोटे छोटे बोल्ट्स भी आते हैं सो दैट जो फॉर्क के साथ है वो अडाप्टर काफ़ी ईजली माउंट हो जाए। नाउ वाइल इंस्टॉलिंग द अडाप्टर आपको याद रखना किस टाइप की पोजिशनिंग होना चाहिए। अगर आप अडाप्टर को उल्टा लगाते हो देन देर आर सर्टिन चांसेस कि आपका फॉर्क टूट जाए। सो जिस तरीके से मैंने इंस्टॉल किया वैसे ही आपको अपने अडाप्टर को इंस्टॉल करना है इफ़ यू हैव अ पोस्ट माउंट अडाप्टर। सो यहाँ पे मैं अपने सारे बोल्ट्स को अच्छी तरीके से टाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे सारे बोल्ट्स को टाइट करने के बाद अब हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारा व्हील है उसे वापस पोजीशन में रख देना है।
सो अब हम अपने फ्रंट व्हील को वापस टाइट कर लेंगे। अगर आपके पास एक्सल है देन आप एक्सल टाइट करना। यहाँ पे मैं क्विक रिलीज को टाइट कर ले रहा हूँ। एंड मेक श्योर कि आप इसे काफ़ी फर्मली टाइट करो सो डैट आपका व्हील लेफ्ट या राइट वॉबल ना करे। नाउ इट्स टाइम टू इंस्टॉल द कैलिपर। कैलिपर इंस्टॉल करते वक्त बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि जो रोटर है वो कैलिपर से डायरेक्ट टच करे। सो उसे अवॉइड करने के लिए आप वॉशर्स का यूज़ कर सकते हो, बट इन माई केस नहीं ज़रूरत पड़ा मेरे को वॉशर्स का। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपने कैलिपर्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ। नाउ मेक श्योर जब आप कैलिपर इंस्टॉल कर रहे हो देन आपके ब्रेक पैड्स रब नहीं कर रहे हो। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट आप आईबॉल से देखोगे देन आपको ईजली अलाइनमेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने अपने ब्रेक को अलाइन कर लिया ना, आप देख सकते हो हमारा व्हील कितना फ्री रोटेट कर रहा है। एंड नाउ एन्जॉय द 180 mm रोटर एंड पावरफुल ब्रेकिंग। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ऑसम कंटेंट्स के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। बहुत जल्दी वापस आऊँगा एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।